आप देख सकते हैं रुड़की सिविल एंड कोतवाली के बाहर यहां पर लगातार चालान काटे जाने की कार्रवाई की जा रही है। रुड़की सिविल एंड कोतवाली के बाहर दो पहिया वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। महिला दरोगा जो है चालान काटने की कार्रवाई कर रही हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा सभी प्रदेश के जिला प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने सभी क्षेत्रों व जिले में चेकिंग अभियान चलाया जाए। खास तौर पे स्कूलों में छात्र छात्राओं द्वारा नाबालिग बच्चे जो कि स्कूटर वगैरह लेके निकलते हैं उन पर, और साथ ही दो पहिया वाहनों पर तीन लोग सवार होते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, जिसको देखते हुए आज ये चेकिंग अभियान रुड़की सिविल एंड कोतवाली के बाहर चलाया जा रहा है। सभी के कागजात लाइसेंस वगैरह चेक किए जा रहे हैं। कई वाहनों को सीज भी किया गया है और कई वाहनों पर चालान की कार्रवाई की गई है। रुड़की सिविल एंड कोतवाली के बाहर का यह नज़ारा आप देख पा रहे हैं। रोक कर पूछताछ की जा रही है।